सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में व्रत क्रिया को संकल्प सत्कर्म अनुष्ठान भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत सामान्य तौर पर दो तरीके के होते हैं, जिनमें एक तो सामान्य व्रत होता है, दूसरा निर्जला व्रत होता है। सामान्य व्रत वह व्रत होता है जिसमें व्रतधारी जल, फल, दूध, साबूदाना जैसे फलाहार का सेवन कर व्रत पूर्ण करता है, जबकि निर्जला व्रत में व्रतधारी जल, अन्न, फल, समस्त वस्तुओं को त्याग कर व्रत पूर्ण करता है। लेकिन कई बार प्रश्न यह उठता है कि क्या व्रत में साबूदाना खाना सही है या नहीं। वैज्ञानिक आधार पर व्रत के दौरान साबूदाना खाना सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन शास्त्रीय मत व्रत के दौरान साबूदाना खाने से मना करता है। इसके पीछे की मुख्य वजह साबूदाना को बनाए जाने की प्रक्रिया है, क्योंकि सनातन धर्म में व्रत की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह पूजन के समय हो या प्रसाद बनाए जाने और उसे पाने की हो, क्योंकि साबूदाना पाम सागो के तने में पाए जाने वाले टेपियोका रूट से बनता है, जिसे कई दिनों तक प्रोसेस करके हम तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में शुद्धता संबंधी मानकों में यह उचित नहीं बैठता और धर्मगुरु इसे अशुद्ध मानते हैं। इसीलिए शास्त्रीय मत होता है कि फलाहार में साबूदाना से परहेज करना। तो आइए आचार पंकज सावरिया से ही जानते हैं कि व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फलाहार का सेवन करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य पंकज सावरिया। बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है कि व्रत के दौरान फलाहार कैसे करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमारा कर्तव्य है व्रत के दौरान जो हमें फलाहार है, प्रथम दृष्टया तो आप सवेरे पूजन इत्यादि करके और थोड़ा सा जल ले लें, जो पूजन के का जल है स्वच्छ जल आप एक बार ले लें। इसके बाद दोपहर में आप कुछ फल इत्यादि ग्रहण कर लें, कुछ फल ग्रहण कर लें, और फल ग्रहण करने के बाद कुछ जल, थोड़ा जल पी लें। संध्या के समय में आप फल जो आपकी शक्ति के अनुसार, कई लोग व्रत करते हैं जो बिना जल के व्रत करते हैं, और निर्जला व्रत का तो एक विशेष, निर्जला का अर्थ होता है निःजला, निःजल अर्थात बिना जल के, जो लोग निर्जला व्रत करते हैं तो एक विशेष तपस्या है। तो यदि आपकी शक्ति नहीं है तो आपको व्रत ऐसे करना है कि सवेरे आप जल ले लें, जब आपको जल की आवश्यकता विशेष रूप से समझ में आए तो जल आपको ले लेना चाहिए, लेकिन पवित्र अवस्था में जल लेना चाहिए। और संध्या काल में आप फल लेकर के जल ले लें और दूध ले लें। इससे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपवित्र वस्तुएं, तामसी वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और व्रत के दौरान आजकल लोग साबूदाना का प्रयोग कर लेते हैं, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आप रेवड़ी दाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आटा वो किस अपवित्र अवस्था में बना हुआ है आप जानते नहीं हैं, इसलिए रेवड़ी दाना भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपको फल ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में दूध ले लेना चाहिए। हो सके तो आप कुछ आलू इत्यादि जो साग फल माना जाता है, इन पे आप इनको ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो आप, यदि नमक के बिना कार्य नहीं हो सकता है तो थोड़ा उस पर नमक, सेंधा व्रत का जो फलाहारी नमक होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी हिसाब से व्रत को करना चाहिए। 9 दिन तक यदि आप व्रत है तो दैनिक नियम बना लें कि आपको दिन में 2 बार दूध ले लेना चाहिए, जल की कमी ना हो इसलिए जल समय समय पर लेते रहना चाहिए, और जितनी आपकी शक्ति, शक्ति के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। अत्यधिक व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है और तामसी वस्तुओं का त्याग विशेष रूप से करना चाहिए।